कलेक्टर ने कुरवाई तहसील का औचक निरीक्षण किया, जिसमें प्रेस क्लब सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंजेक्शन ना होने और अनियमितताओं की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत ही अनुभागीय अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए, जिसके चलते अनुभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा ने अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल स्टोर रूम और अन्य मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई कर दी। एक्सपायरी दवाइयों की जाँच की गई तो साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लायरा में पदस्थ आयुष डॉक्टर आशीष जैन के घर पर भी छापा मारा। यहाँ पर ओपीडी टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए वह पाए गए तो कई लोगों ने इनकी क्लिनिक की शिकायत की थी। घरों में एलोपैथिक दवाओं को भी जब्त किया गया है, जिन्हें पंचनामा बनाकर अभी फिलहाल जब्त रखा गया। ये था कि जनता को आउट ऑफ डेट चीज़ें हैं, एक्सपायरी दवाइयां हैं, इसको किसी तरह से वेलिफाइड इंटेंशन से विक्रेता अपनी दवाइयों को खपाने की कोशिश करते हैं, उसको रोका जाता है। और इसी अनुक्रम में यहाँ जो कार्रवाई की है, हमने सबसे पहले हमारे चिकित्सालय का ही स्टोर चेक किया, जितनी भी तमाम दवाइयाँ थी एक दल बना करके, और उन दवाइयों की आउट ऑफ डेट जो रहती है एक्सपायरी डेट को चेक किया गया। हमें चिकित्सालय के स्टोर रूम में इस तरह की कोई दवाई नहीं मिली है। इसके बाद हमने मार्केट के मेडिकल्स के लिए जो दो दवाई रवाना किए हुए हैं, उनको हमने कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपने डॉक्टर आशीष जैन पर के यहाँ भी छापामार कार्रवाई की, वो ओपीडी में अपने प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करवाई थी। वहाँ पर कार्रवाई करने का कारण ये बना कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये डॉक्टर साहब जो है अपने ओपीडी के टाइम में, जबकि शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ है, तो ओपीडी के टाइम में अपने निज निवास पर चिकित्सा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से फीस लेकर के और उनको इलाज करते हैं। तो शिकायत मिलने पर वहाँ पर जब जाकर के देखा तो पाया गया कि वो वहाँ पर मरीज बैठे हुए थे, उपचार उनके द्वारा किया जा रहा था, और वो एक आयुष डॉक्टर हैं, उसके बाद भी एलोपैथिक से इलाज कर रहे थे। तो इस बारे में वहाँ पर भी कार्रवाई की गई है कि वो ओपीडी टाइम में प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, ये सही बात। दूसरा